हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सप्तेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में बेसिकली अवमंदित दोलक जो होता है उस पर विचार किया था। उसके लिए जो आपके सूत्र थे वो डेराइव करे थे, तो किस तरह वो चेंज होता है, कुछ उदाहरण भी हमने लिए थे जिनको आपका हल किया था। तो अब हम एक ऐसे ऑसिलेटर पर विचार करते हैं जिस पर अवमंदन बल के साथ साथ एक बाह्य आवर्ती बल भी लगा हो। मतलब बाह्य आवर्ती बल से मतलब ऐसा है कि ऐसा बल जिसका जो एक तरह से मान है उस समय के साथ एक निश्चित आवृत्ति से परिवर्तित होता हो, तो ऐसे बल को हम आवर्ती बल कहते हैं। तो जब किसी अवमंदित दोलक पर आवर्ती बल और साथ लगा हो तो ऐसे दोलक को हम चालित या प्रणोदित अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। तो अब मैं एक तरीके से शब्दों में परिभाषित करता हूँ कि जब किसी अवमंदित सरल आवर्ती दोलक पर बाह्य आवर्ती बल लगाया जाता है तो प्रारंभ में दोलक अपनी मूल आवर्ती से दोलन करने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वह आवर्ती बल की आवर्ती के दोलन करने लगता है। ऐसा दोलक चालित या प्रणोदित दोलक कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी सरल आवर्ती दोलक पर कोई बाह्य आवर्ती बल लगाया जाए तो शुरू में तो जो आपका दोलक होता है वो अपनी मूल आवृत्ति से दोलन करने की कोशिश करता है, लेकिन समय के साथ उसके दोलकों पर जो बाह्य आवर्ती बल होता है वो हावी हो जाता है और दोलक अंत में उसी की आवृत्ति से दोलन करने लगता है। तो ऐसा दोलक आपका प्रणोदित दोलक या चालित दोलक कहलाता है। तो चालित दोलक पर लगने वाले बल को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहला तो उसका खुद का प्रत्यानन बल होता है जो -kx के बराबर होता है। दूसरा अवमंदन बल होता है जो -λdx/dt के बराबर होता है। और तीसरा जो बाह्य आवर्ती बल है वो आपका F0sin ωt के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब यदि हम चालित या प्रणोदित अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की समीकरण को लिखना चाहें तो उसकी समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। M(dt²)-kx -λdx/dt + F0sin ωt या D2x/dt²(-k/m(x−λ)/m(dx/dt) + F0/m sin ωt या D2x/dt²(2R(dx/dt) + ω02x = f0 sin ωt। समीकरण एक में 2R = λ/m, ω02 = k/m एंड f0 = F0 by m। तो समीकरण जो एक है यह चालित अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण कहलाता है। तो यह इसके गति का समीकरण है। तो समीकरण एक के दो प्रकार के हल प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला क्षणिक स्थिति में हल तथा दूसरा स्थायी अवस्था में हल। यहाँ हम केवल स्थायी अवस्था हल पर विचार करते हैं अब, क्योंकि स्थायी अवस्था में दोलक बाह्य आवर्ती बल की आवर्ती से दोलन करता है। अतः समीकरण एक के स्थायी अवस्था हल को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। X = x0 sin ωt − φ k। समीकरण 2, जहाँ फाई दोलक के विस्थापन x व बाह्य आवर्ती बल का कलांतर है। यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है तो इसे आप कलांतर में बदल लीजिएगा। तो समीकरण 2 से dx/dt = x0ω cos ωt − φ। समीकरण 3, D2x/dt² = −ω²x0 sin ωt − φ। समीकरण 4, समीकरण 2, 3 व 4 से मान समीकरण 1 में यदि प्रतिस्थापित किए जाएं तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। ω²x0 sin ωt − φ + 2R(ω0cos ωt − φ) + ω02x0 sin ωt − φ
बराबर एफ जीरो साइन ओमेगा टी, या ओमेगा जीरो स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस ट्वाइस आर ओमेगा एक्स जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इजकल टू स्मॉल एफ जीरो साइन ओमेगा टी, या ओमेगा जीरो स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस ट्वाइस आर ओमेगा एक्स जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इजकल टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव के रूप में लिखा जा सकता है, या ओमेगा जीरो स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस ट्वाइस आर ओमेगा एक्स जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इजकल टू स्मॉल एफ जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव साइन फाइव। उपरोक्त समीकरण टी के सभी मानों के लिए संतुष्ट होगी। यह तभी संभव है जब दोनों तरफ साइन ओमेगा टी माइनस फाइव व कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव के दोनों ओर गुणांक परस्पर बराबर हों, अर्थात एक्स जीरो इंटू ओमेगा जीरो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इजकल टू स्मॉल एफ जीरो कॉस फाइव व ट्वाइस आर ओमेगा एक्स जीरो इजकल टू एफ जीरो साइन फाइव समीकरण पाँच व छ। समीकरण पाँच व छ से यदि हम टेन फाइव की वैल्यू निकालना चाहें तो टेन फाइव इजकल टू ट्वाइस आर ओमेगा ओवर ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर समीकरण सात। समीकरण सात से स्पष्ट है कि फाई का मान ओमेगा पर निर्भर करता है, अर्थात बाह्य आवृत्ति बल एवं दोलक के विस्थापन के मध्य कितना कालांतर होगा इसका निर्धारण बाह्य बल की आवृत्ति ओमेगा द्वारा तय किया जाता है। अब समीकरण पाँच व छः का वर्ग करने पर यदि जोड़ दिया जाए तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है, एफ जीरो स्क्वायर इजकल टू एक्स जीरो स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर, या एक्स जीरो स्क्वायर इजकल टू एफ जीरो स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या एक्स जीरो इजकल टू एफ जीरो ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल पावर हाफ। इसे समीकरण आठ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह प्रणोदित दोलक के विस्थापन का समीकरण यह अतः प्रणोदित दोलक के विस्थापन का समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, एक्स इजकल टू एफ जीरो अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस टेन स्क्वायर ट्वाइस आर ओमेगा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण नौ। समीकरण नौ चालित दोलक के स्थायी अवस्था में हल है। अब हम चालित दोलक की कला पर विचार करते हैं कि चालित दोलक की कला क्या होगी। तब चालित दोलक की कला की ओमेगा पर निर्भरता सूत्र टेन फाई इजकल टू ट्वाइस आर ओमेगा अंडर डिवाइडेड बाय ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा की सहायता से निम्न तीन परिस्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। पहली स्थिति जब ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा जीरो, अर्थात न्यून चालित आवृत्ति, अर्थात जो बाह्य बल है उसकी आवृत्ति आपके दोलक की मूल आवृत्ति ओमेगा जीरो की तुलना में बहुत छोटी हो, तो उस स्थिति में टेन फाई इजकल टू ट्वाइस आर ओमेगा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर से टेन फाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, या फाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। इस स्थिति में दोलक का विस्थापन बाह्य आवर्ती बल के साथ लगभग समान कला में होता है। स्थिति सेकंड क्रांतिक चालित आवृत्ति, यदि ओमेगा इजकल टू ओमेगा जीरो, अर्थात यदि तो टेन फाई इजकल टू इन्फिनिटी या फाई इजकल टू पाई बाई टू। स्थिति थर्ड अति चालित आवृत्ति, अर्थात यदि ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ग्रेटर देन ओमेगा जीरो तो टेन फाई इजकल टू माइनस ट्वाइस आर ओवर ओमेगा, या टेन फाई इजकल टू माइनस जीरो या फाई इजकल टू पाई के। अतः स्पष्ट है कि विस्थापन की कला चालित आवृत्ति ओमेगा के साथ परिवर्तनशील होती है। फाई का ओमेगा के साथ ग्राफीय निरूपण निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इस ग्राफीय निरूपण को आप अपनी बुक के साथ बुक को साथ में रख के देखिएगा कि किस तरह आपके जो ओमेगा के साथ फाई का परिवर्तन होता है।
अब हम प्रणोदित दोलक के आयाम का ओमेगा के साथ किस तरह परिवर्तन होता है उस पर विचार करते हैं। तो इस पर विचार हम कल करेंगे या अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये यदि ये पहला समझ में आ जाता है तो आगे समझना इतना मुश्किल नहीं होता। इसलिए जो हम अवमंदित दोलक की प्रणोदित अवमंदित दोलक की इक्वेशन किस तरह निकाली गई है, प्लस उसके लिए आपकी ओमेगा का मान किस तरह निकलेगा, फाई चालित दोलक की कला का मान किस तरह निकलेगा, तीनों स्थितियों में जो आपकी ओमेगा इज वेरी लेस देन ओमेगा जीरो, ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा जीरो और ओमेगा इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा जीरो, इन तीनों परिस्थितियों में आपकी कला में किस तरह परिवर्तन होंगे उस सब के को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।